नमस्कार दोस्तों, एसकेडी एकेडमी की वृंदावन शाखा में एसकेडी के जितने भी बच्चे थे मेघावी, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड था, यूपी बोर्ड था या सीबीएसई बोर्ड था, उन सभी का सम्मान भाजपा सरकार के मंत्रियों ने किया। यहाँ कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह, राज्य मंत्री जेपीएस राठौर, उनके साथ में सरोजनी नगर के विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह, एमएलसी अविनाश सिंह चौहान और यूपी पीसीएस एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष बाबा देव सिंह मौजूद थे। वहीं स्कूल की ओर से संस्थापक एसकेडी सिंह और डायरेक्टर्स मनीष सिंह, आशीष सिंह के साथ में तमाम पेरेंट्स, बच्चे, टीचर्स मौजूद थे और ये सम्मान समारोह हुआ। दोस्तों, जो जिन मेघावियों को ये सम्मान मिला है उनकी लिस्ट हम एक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, लेकिन जो मंत्रीगण यहाँ पहुंचे थे, विधायक पहुंचे थे, उन्होंने बच्चों का हौसला किस तरह से बढ़ाया वो निश्चित ही सुनने की बात है। और दोस्तों, अंत में संस्थापक एसकेडी सिंह ने खुद आकर के सभी का धन्यवाद किया और कहा कि उनके आने से बच्चों का जिस तरीके से मनोबल बढ़ा है उसकी भी सराहना करी। साथ ही उन्होंने ये भी घोषणा की कि आने वाले समय में एसकेडी किसी गांव को गोद लेगा और हेल्थ की ओर विशेष ध्यान रखेगा। सर का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि बच्चे हमारे देश का भविष्य है, इनको जितना प्रोत्साहित किया जाए, जितना इनको हम लोग मोटिवेट करें, यही हम सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ टू ऑल द चिल्ड्रन हु गॉट द अवार्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल, बहुत अच्छा आप लोगों ने प्रदर्शन किया। मनीष अभी बता रहे थे कि 200 बच्चों से ज्यादा 90% आए हैं। इट्स अ मैटर ऑफ ऑनर, ये हम लोग के लिए बहुत हर्ष की बात है, लखनऊ के लिए बहुत हर्ष की बात है, पूरे प्रदेश के लिए बहुत हर्ष की बात है। कितना अच्छा एक इंस्टीट्यूशन कार्य कर रहा है कि जहाँ 200 बच्चे यहाँ 90% से ज्यादा नंबर लेके आ रहे हैं। ये बच्चे हमारे देश का भविष्य है। आने वाले 10 वर्षों बाद, अगले 30 वर्षों, 40 वर्षों तक ये देश आपके कंधों पर रहेगा। इस देश को आपको आगे लेके जाना है, इसलिए हम लोग सब लोग समय निकाल कर, हर समय हम लोग का प्रयास रहता है कि आपको प्रोत्साहित किया जाए, आपको मोटिवेट किया जाए और जो आपने इतनी मेहनत करी है उस मेहनत को रिवॉर्ड दिया जाए। जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना ही यह देश आगे बढ़ेगा। यह देश का भविष्य आप लोगों के कंधों पर है। आने वाला समय, जैसे मनीष कह रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट समय है। आने वाले चैलेंजेस बच्चों के लिए बहुत डिफरेंट तरीके के हैं। मैं अभी बच्चों से पूछ रहा था तो कोई बच्चा साइंटिस्ट, डाटा साइंटिस्ट बनना चाह रहा है, किसी बच्चे का IIT मद्रास में एडमिशन हुआ, कुछ बच्चे डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, कुछ बच्चे साइंटिस्ट स्पेस रिसर्च में जाना चाह रहे हैं। ऐसे ही बच्चे हमारे देश को आगे लेके जाएंगे। सबको बहुत बधाई है, हम सब पुरस्कृत किए हैं। ऐसे सभी हमारे प्यारे बच्चे, उनके माता पिता, यहाँ उपस्थित सभी सामाजिक नागरिक बंधु, पिछले 26 वर्षों से लखनऊ में एक अपनी अलग पहचान बना रखा है और प्रति वर्ष एसकेडमी के द्वारा जो बच्चे निकल रहे हैं वो अपने समाज के हर क्षेत्र में उनका एक तरह से केवल एसकेडी का डॉक्टर बनाते थे, इंजीनियर बनाते थे और आज एसकेडी एकेडमी से बच्चे जो है समाज के हर वर्ग में, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, देखिए जबियत बाइक की सीटें एकेडमी में, बाद हर क्षेत्र में आज एसकेडी एकेडमी के बच्चे जाकर के समाज को आज परिवर्तन करने में अपना योगदान आए हैं। और हमारे शिक्षकगण हमारे बच्चों को इतना बढ़िया बात बताएं कि मेरे पास कोई शब्द नहीं एक और आगे बोलने का। बस इतना करना है, इनकी बात का मनन करना है। और मैं अपनी तरफ से विश्वास दिलाता हूं कि मैं जो कुछ कमी रह गई है उसको हम लोग ढूंढेंगे भविष्य में और पूरा करेंगे, क्योंकि जीवन का ये बिल्कुल सूत्र बता दिया आपने और इसी रास्ते चलना है, इसी कल्याण है। यही मैंने हमेशा कहा है कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार होना जरूरी है। संस्कार के बिना कुछ भी नहीं कर सकते आप। ये संस्कार है जिसकी वजह से आपको ताज्जुब होगा, कितने हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि कि बिना हमारे गए यहाँ पर पधारे हैं। इनकी महानता है,